आपने केबीसी में 1 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं, सबसे पहले कैसा लग रहा है, वहां तक का सफर कैसा रहा? देखिए, अमाउंट कितना भी जीता हो वो बात मैटर नहीं करती, लेकिन वहां जाकर जो हमको रिस्पेक्ट मिला है ना, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और जो फील वाली बात आप बोल रहे हैं, वो तो शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती बात क्या फील हुआ। लेकिन ये था कि हाँ, लाइफ में एक सोचा करते थे ना, एक इमेजिनेशन होता है सबका कि हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, ये दिन कभी आएगा या नहीं, वो सब कुछ। जिस तरह से आप सही तरह से नहीं देख पाती हैं, तो वहाँ तक का जो सफर है, मैक्सिमम लोग नहीं सोच पाते कि हम 1 करोड़ रुपये कमाएंगे, आगे भी आप खेल रही हैं, तो क्या लग रहा है आगे कितना जीत पाएंगे आप? सर, इसके लिए तो आप 30 अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन रात 9 बजे देखिएगा। मानी जी, जैसे आप कह रहे थे अभी कि ये जो काम मैंने किया है अपने दिव्यांगों के लिए किया है, जो आगे आए, तो क्या आपका आगे का प्लानिंग क्या है, किस तरह से आप मदद करना चाहती हैं दिव्यांगों? सर, बेसिकली मेरा जो टारगेट है वो दिव्यांग सेक्शन को लेकर है, है ना। और मैंने अभी बताया भी था कि मैंने अपना केंद्र विद्यालय नंबर 1 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, हमारे स्कूल में बेसिकली जनरल स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल बच्चे ज्यादा हैं, दिव्यांग भी हैं बट उनका थोड़ा रेशियो कम होता है। लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे जो प्राइमरी के हैं, सेकेंडरी के तो हटा दीजिए, आज वो एबल्ड है कि वो साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन के संग, इवन बात नहीं कर सकते, उनकी बातों को समझ भी सकते हैं। तो इस टाइप की अवेयरनेस जो मैंने अपने स्कूल में लेकर आया है, मैं चाहती हूँ एक दिन पूरी कंट्री में इस टाइप का अवेयरनेस लेकर आया जाए। सेकेंडली, मेरा प्लान है इंक्लूसिव कोचिंग खोलने का। इंक्लूसिव कोचिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी कोचिंग जहाँ पर सब टाइप के हियरिंग इम्पेयर्ड यानी कि डेफ एंड डम जो होते हैं, विजुअली चैलेंज और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, सबको एक ही क्लास में एक ही साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी कराई जाए। मेरा कुछ इस टाइप का प्लानिंग चल रहा है। जैसे आप 1 करोड़ तो जीत चुकी हैं, आगे 7 करोड़ का सवाल है, इस रकम में से कितना पैसा इन बच्चों के लिए काम करेंगे आप? सर, अभी इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज अभी अमाउंट मैंने कितना जीता है ये कुछ क्लियर नहीं है। नहीं, 1 करोड़ का तो बिल्कुल सर, 1 करोड़ मैंने आपने प्रोमो में देखा पास किया, लेकिन अभी मैं 7 करोड़ के क्वेश्चन के रिस्क पर भी हूँ। यस, उसमें कुछ भी हो सकता है, गेम क्विट, अटेम्प्ट नीचे, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से आप बिग बी से मिले हैं, तो किस तरह का लगा, क्या फीलिंग रही आपने वहाँ उनके लेकर के, एक शायरी टाइप में भी बोला है, साकार हो गया, क्या था वो पूरा? सर, वो पूरा वही था जो आपने प्रोमो में सुना था। ओके, उसमें प्रोमो में बेसिकली यही मैंने जो प्रोमो में लाइन बोला है, वही मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने मुझे एबी सर की वॉइस सुन के जो फीलिंग आया वो मैं आपको बता देती हूँ। आज जीवन का हर सपना साकार हो गया, आज जीवन का हर सपना साकार हो गया, आज मुझे सदी के महानायक का दीदार हो गया। ये था, बाकी और भी बहुत कुछ था, लेकिन वो तो आप शो देखेंगे तब पता चलेगा। ये पूरी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर, मेरी जो भी सक्सेस है उसका क्रेडिट कम्प्लीटली मेरी फैमिली को जाता है। ऐसे ही नहीं कि केवल फैमिली के संग संग मेरे फ्रेंड्स, मेरे लखनऊ वाले प्रोफेसर्स, मेरे बलरामपुर वाले कलीग्स, केवी नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन वाले कलीग्स, सबका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। मतलब मुझे जो पॉजिटिव एटमोसफियर मिला फैमिली के अलावा बाकी लोगों से, उसी का आज रिजल्ट है जो आपके सामने। जिस तरह केबीसी में लाइफलाइन दी जाती है, तो yes. आपने किसी लाइफलाइन का यूज किया या अपने बलबूते सारी चीजें सवाल जवाब दिए आपने? उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मंडे का। मानी जी, जैसे आप अपनी लाइफ का, जब आपके साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद टर्निंग पॉइंट क्या मानती है यहाँ तक पहुँचने में? सर, टर्निंग पॉइंट सबसे बड़ा था जिस दिन मुझे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में पता चला। अगर वो यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता चलता ना, तो मैं मानती हूँ कि शायद आज ये कॉन्फिडेंस और इस टाइप की चीज़ें मेरे पास नहीं होती। वहाँ जाने के बाद एक लाइफ बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हुई, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी वहाँ बहुत ग्रेट थी।